إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هَرْتَرْهِ کی تعريف उस अल्लाह रब्बुल उसब्लामी के लिए लायक और जेबा जो सारे ज़हान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राज है सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अखलाक़ी तालीमात से पूरी दुनिया को भर दिया मोहतरम हाजरीन हम मुसलमान हैं और हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ होनी चाहिए बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जो अल्लाह को पसंद हैं और बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं अल्लाह तबारक वाले ने कुरानी तालीमात और नबी के अहदीस के ज़रिए उन बातों की वजाहत फरमाई है जिन बातों को अल्लाह पसंद करता है हमें उनको अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए और जिन चीज़ों को अल्लाह नापसंद करता है हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह को नापसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ हसद है जो बड़ी तेज़ी के साथ इंसानों में बढ़ता जा रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से अल्लाह की पनाह मांगी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि हसद से अल्लाह की पनाह मांगें हसद क्या है किसी की तरक्की को देख करके किसी के ऊपर अल्लाह की नेमत को देख करके उससे जलना और ये तमन्ना करना कि इसकी ये नेमत ज़ाय हो जाए इसकी बहुत सारी मिसालें हैं एक आदमी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो लोग उससे हसद करने लगते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों कमा रहा है एक आदमी अच्छी गाड़ी में चलता है अच्छे बंगले में रहता है तो लोग उसको देख कर के हसद करने लगते हैं तो ये है हसद ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को ओहदा और मनसब मिल गया लोग उससे देख करके हसद करने लगते तो हमें इन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया हसद से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है रश्क जिसको अरबी में गिप्ता कहते हैं शरीयत में उसको जायज़ रखा गया लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रश्क के लिए भी हसद का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हसद इल्ला तीन हसद करना सिर्फ़ दो चीज़ों में जायज़ है महदसिन ने इस हदीस को बयान करके तमाम महदसिन ने ये बात लिखी है कि यहाँ हसद से हसद नहीं मुराद है बल्कि यहाँ हसद से रश् करना मुराद वो भी सिर्फ दो ही चीज़ों में है दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ें चीज़ में रश् करना गिफ्ता करना ये जायज़ नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया है अब वो अल्लाह के रास्ते में लुटाता है ग़रीबों की मदद करता है यतीमों बेवाओं और मिसकिनों और मरीज़ों और ज़रूरतमंदों का ताउन करता है आपके पास नहीं है अब आप ये सोचते हैं कि अल्लाह तला अगर आपको भी देता तो आप भी इसी तरह लोगों की मदद करते लोगों को लुटाते लोगों को लोगों का ताउन करते तो ऐसा करना जायज़ है एक एक तो माल दूसरा इल्म अल्लाह ताला ने किसी को इल्म दिया है अब वो लोगों को बताता है समझाता है रात दिन दावत तबलीग करता है तो आदमी सोचता है कि अल्लाह ताला मुझे भी इल्म दिया होता मेरे पास भी ये नेमत होती तो मैं भी लोगों को बताता लोगों को समझाता दावत तबलीग का काम करता तो ये ये रश्क है ये जायज़ है तो हसद और रश्क में थोड़ा सा फ़र्क है रश्क में होता है कि अल्लाह ने उसको वो नेमत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे भी मिलता तो मैं भी नेक काम करता लेकिन हसद में क्या होता है अल्लाह ताला ने उसको क्यों दिया वो उसका मुस्तक नहीं था छिन जाना चाहिए बर्बाद हो जाना चाहिए ये है हसद आज रश्क बहुत कम लोगों के दिलों में है जितने लोगों के दिलों में है अक्सर हसद पाया जाता है तो हमें इस हसत से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है कुरानी मजीद में अल्लाह तबारक वाली ने कई मकाम पर हसद की मजम्मत फरमाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कई मकाम पर हसद की मजम्मत फरमाई है अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में फरमाया अम यह मा अजलही क्या वो लोग इस बात पर हसद करते हैं लोगों से कि अल्लाह ताला ने उनको अपना फजल दिया है यानी कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो लोग उससे हसद करने लगते हैं कोई आदमी अच्छा रहता है अच्छा खाता पीता है लोग उससे हसद करने लगते हैं तो अल्लाह ताला ने इसमें वही बात फरमाई कि लोग लोगों के तरक्की को देख करके अल्लाह के फजल को देख करके लोग हसद करते हैं अल्लाह के नबी ला तहसदू वला तबाह वला तदाबरू, बरु वकून व इबादल ख़वाना लोगो आपस में हसद ना करो आपस में एक दूसरे से जलन ना रखो वला तबाह आपस में एक दूसरे से बغض ना करो वला तदाबरू और आपस में एक दूसरे को पीठ ना दिखाओ बहुत सारे लोग होते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं रूबरू मुलाकात करने के बजाय पीठ फेर लेते हैं चेहरा फेर लेते हैं उससे मिलना नहीं चाहते हैं उससे बात नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सफा वला तदाब अरु पीठ ना दिखाओ फेरो। ला फेरोहासदु हसद ना करो वला तबा दिलों में कीना और बुज ना रखो वला तदाबरु आपस में एक दूसरे को पीठ ना दिखाओ वकून इबाद अल्ला ही अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो मोहब्बत के साथ रहो अखलाक के साथ रहो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते रहो मेरे भाइयों हसद करना तो दूर की बात है हसद ये इंसान के दिल और दिमाग की बीमारी है इंसान के दिल में और दिमाग में ये बीमारी पनपती है और इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं इसीलिए हमारे इस्लाम ने हमको ये तालीम दी है कि हम किसी से हसद ना करें बल्कि मोहब्बतों का पैगाम दें मोहब्बतों को बांटें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस वल्ल नफसी बेद ही कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है ला लातद जन्नत हत्ता तुमिनु तुम जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते हो जब तक कि तुम ईमान ना ले आओ वला तुमिनु हत्ता हता तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत न करो जन्नत में दाखिले के लिए ईमान जरूरी है जिस आदमी के दिल में ईमान ना हो वह जन्नत में नहीं जाएगा और ईमान के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना जरूरी है वाला तू मिनू तहाबु तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि अपने भाई से मोहब्बत न करो अपने भाई से उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश ना आओ अवला अदुल्कम अला शईन इज़ाफा तुम तहा तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुमको कोई ऐसी बात न बताऊं कि जिसके ज़रिए से तुम्हारे दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए सहाबे कराम ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं आप ज़रूर बताइए आपने फरमाया अफुल सलाम अब आपस में सलाम को खूब फैलाओ सलाम करो सलाम करने से दिल में मोहब्बत पैदा होती है सलाम करने से नफरतें दूर होती हैं सलाम करने से दुश्मनियां खत्म होती हैं एक दूसरे को सलाम करोगे मोहब्बत पैदा होगी मोहब्बत ये ईमान की दलील है और ईमान की बुनियाद पर इंसान जन्नत में जाएगा तो मेरे भाइयों हसब नहीं करना चाहिए बल्कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए मोहब्बतों के पैगाम को आम करने के लिए अल्लाह के नबी से असर ने फरमायाब हदिया दिया करो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो हदिया देने से मोहब्बत पैदा होती है मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए नफरत करना बोझ रखना कीना कपट रखना ये मुसलमानों का काम नहीं है और जो ये सब काम करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है मेरे भाइयों अपने आप को हसद से बचाने की कोशिश करो हसद हसद क्या है हसद हसद से कितने नुकसान हुए हैं आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व ने हजरत आदमी सलाम को पैदा किया और पैदा करने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें फरिश्तों ने आदम का सजदा किया फलमला फ़रिश्तों ने सजदा किया इब्लिस ने सजदा नहीं किया इब्लिस ने सजदा क्यों नहीं किया हसद की बुनियाद पर हसद की बुनियाद पर आदम सलाम की तरक्की को देख कर के आदम सलात वाम की फजीलत को देख कर के आदमत व सलाम के मकाम और मर्तबे को देख करके इबलीस जल भून उठा नतीजा क्या हुआ उसने आदम अलीसलात सलाम का सजदा करने से इनकार कर दिया अब मैं यहाँ आपको एक बात बताऊं इबलीस ने आदम का सजदा नहीं किया हसद की बुनियाद पर लेकिन बजाहिर उसने आदम को सजदा नहीं किया नाफरमानी किसकी की अल्लाह की अल्ला कभी कभी कोई बुराई ऐसी होती है जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं लेकिन उसका नतीजा बहुत भयानक होता है उसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है इबलीस ने आदम को सजदा नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आदम का सजदा ना करना यह गुनाह नहीं है अल्लाह की ना फरमानी करना अल्लाह के हुक्म को ना मानना अल्लाह के फैसले को तस्लीम ना करना यह गुनाह है अल्लाह तबारक ने इबलीस को जन्नत से निकाल दिया हसद की बुनियाद पर इबलीस ने आदम को सजदा नहीं किया अंजाम क्या हुआ कयामत तक राह क़यामत तक के लिए मलओन करार दिया गया अल्लाह ने रजी मरदूत करार दिया इसी तरीके से आदम सलाम के दो बेटों का वाक़या अल्लाह ने बयान किया हाबील और काबिल ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी हाबील की कुर्बानी कबूल हुई काबिल जल भन उठा जल्भन उठा हसद की बुनियाद पर एक सगे भाई ने अपने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया हाबील की कदल का सबब क्या बना हसद उसकी कुर्बानी कबूल हो गई मेरी क्यों नहीं हुई भैया अल्लाह का मामला अल्लाह किसकी इबादत को कबूल करता है अल्लाह किसकी नेकी को कबूल करता है हमारे सामने इतनी बड़ी जमात बैठी हुई है सब लोग अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं किसकी नीयत क्या है अल्लाह को मालूम क्या सबकी इबादतें कबूल हो जाएंगी क्या सबको सौ फीसद मिलेगा नहीं हो सकता हमें चाहिए कि दूसरों से जलने के बजाय अपनी नियतों को दुरुस्त कराएं हम अपनी नियतों को दुरुस्त नहीं करते हैं अपने दिमाग को सही नहीं करते हैं दूसरों से जलने लगते हैं भाई ये कौन सी बात है इसी बुनियाद पर काबिल ने हाबिल को कत्ल किया यूसुफ अली सला के भाइयों ने यूसुफ असलाम से हसद किया देखा कि हमारा बाप को ज्यादा मानता है ज्यादा मोहब्बत करता है नतीजा क्या हुआ उन्होंने बाप के रास्ते से यूसुफ को हटाने की तदबीर बनाई क्या किया ले जाकर कुएं में डाल दिया कत्ल करना चाहते थे मार डालना चाहते थे लेकिन एक भाई ने हमदर्दी जताई कहा नहीं भाई आप रास्ते से हटाना चाहते हैं कत्ल करने की क्या जरूरत है इसको कुएं में डाल दो हसद की बुनियाद पर भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर कुएं में डाल दिया ये हसद बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया कि यहूदी लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत और रिसालत को उसी तरह जानते हैं जिस तरह ये अपनी औलाद को पहचानते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाए क्यों हसद की बुनियाद नबूत का सिलसिला जो बनी इस्माइल में बनी इसहाक में था ये अलैहिस्सलाम तो की नस्ल में जो नबूत चली आ रही थी अल्लाह के नबी वसल्लम इसहाक के नहीं बल्कि इस्माइल की नस्ल से पैदा हुए लोगों ने हसद किया यहूदियों ने हसद किया ईमान नहीं लाए तो ये हसद बड़ी ख़तरनाक चीज़ है अपने आप को इससे बचाना चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं हम महसूस कर रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ हसद बढ़ता जा रहा है इसके असबाब क्या हैं पहली वजह यह है कि हम अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हैं। अल्लाह ने जो फैसला किया हम उस फैसले पर राजी नहीं हैं। अल्लाह ताला ने ना किसी को मुकम्मल दिया है और ना किसी को महरूम किया है यह अल्लाह का करम है यह अल्लाह का करम है अल्लाह तला किसी को मुकम्मल महरूम नहीं करता है और ना ही अल्लाह तला किसी को मुकम्मल तौर पर नवाजता है अल्लाह की मुख्तलिफ नेमतें हैं किसी को अल्लाह तबारक वाल ने इल्म दिया है आप उसके इल्म से जलने लगते हैं आपको अल्लाह तला ने दौलत दी है लोग आपकी दौलत से जलने लगते हैं किसी को अल्लाह ओहदा और मनसब दिया है लोग ओहदा और मनसब से जलने लगते हैं। अरे भाई कुछ नेमतें हमारे पास हैं कुछ नेमतें आपके पास हैं एक हासित जिससे हसत करता है किस बुनियाद पर करता है उसके पास कोई नेमत है ठीक है उसके पास वो नेमत है अरे आपके पास भी तो बहुत सारी नेमतें हैं जो उसके पास नहीं है अगर इंसान इस एंगल से इस नजरिए से सोचेगा तो कभी भी उसके दिल में हसद नहीं पैदा होगा अल्लाह तला ने लोगों को मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा अगर हमें कोई नेमत नहीं मिली है तो यह अल्लाह की मसलहत है हमें कोई नेमत नहीं मिली है तो यह अल्लाह का फैसला है तो हसद की पहली बुनियाद यह है कि लोग अल्लाह के फैसले को तस्लीम नहीं करते आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के फैसले को तस्लीम ना करना यह कितना बड़ा गुनाह है हम नमाज पढ़ते हैं रोजा रखते हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन अगर हमने अल्लाह के फैसले को तस्लीम नहीं किया आप सच्चे दिल से बताएं क्या इस्लाम बाकी रहेगा क्या ईमान बाकी रहेगा अल्लाह के फैसले को तस्लीम कीजिए अल्लाह ने कुछ उसको दिया है कुछ हमको दिया है जो जिसका मुस्तिक था अल्लाह ने उसको वो चीज दे दी तो किसी की नमत को देख करके अल्लाह के फैसले को तस्लीम ना करना हसत करना ये पहली बुनियाद है इसी तरीके से हसत के असबाब में से एक सबब एक सबब यह है तकबुर और खुद पसंदी तकबुर खुद पसंदी अपने आप को बड़ा समझना जो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है वो यही समझता है कि सारी नेमतें मुझे मिलनी चाहिए यह बड़ा आलमिया है और यह आज से नहीं ये शुरू से चला आ रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हालत क्या थी शाम को खाना खाते थे तो सुबह का इंतज़ाम नहीं है सुबह को खाना खाते थे तो शाम का इंतज़ाम नहीं है हमें यह बात मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के दरमियान ये ऐलान किया कि लोगो अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और अल्लाह ने अपना पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया है तो मक्का के चौधरीओं ने क्या कहा अच्छा Allah को नबी बनाने के लिए आप ही मिले थे क्या हर चीज में तो हम आगे रहते हैं सारी खैर की चीजें हमें पहले मिलती हैं तो यह नब आपको कैसे मिल गई है कि नहीं यही चीज है तकब्बुर और खुद पसंदी। यह हसद का एक बहुत बड़ा सबब है हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए नहीं मेरे भाइयों आप जिसके मुस्तक थे अल्लाह ने आपको वो दिया और जिसके मुस्तक नहीं थे अल्लाह ने नहीं दिया अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश हो जाएं जो नहीं दिया है उस पर सब्र करें बात समझ में आ रही है तकबर और खुद पसंदी ये हसद के असबाब में से एक अहम सबब है इसी तरीके से बुग्ज और नफरत आप किसी से बुग्ज रखते हैं आपको किसी से जलन है अब वो तरक्की कर रहा है भाई आपके बोग्ज करने से आपके नफरत करने से क्या अल्लाह ताला अपना फैसला बदल देगा एक आदमी तरक्की कर रहा है अल्लाह ताला उसको दौलत दे रहा है अल्लाह उसको ओहदा दे रहा है अल्लाह उसको मनसब दे रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है तो हमारे दिल में बोग्ज है इसलिए हम उससे क्या करते हैं हसद करते हैं तो बुग्ज और नफरत ये एक सबब है आदमी का एक दूसरे से हसद करने का इसी तरीके से महसूद का आगे बढ़ जाना और हासिद का आजिज हो जाना ये भी एक सबब है मिसाल के तौर पर एक कॉलेज में एक स्कूल में एक मदरसे में चंद बच्चे पढ़ते हैं अब एक बच्चा मेहनती है अल्लाह ने उसको दिमाग दिया है वो मेहनत करके आगे बढ़ता है हमेशा पहली पोजीशन हासिल करता है तरक्की पर तरक्की करता है अब दूसरे बच्चे जो वो तरक्की नहीं कर सकते हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकते हैं तो महसूद का आगे बढ़ जाना और हासिद का आजिज हो जाना ये एक सबब है दूसरों से हसद करने का मेरे भाइयों बजाय इसके कि हम दूसरों से हसद करें हमें मेहनत करनी चाहिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अगर अल्लाह हमारे नसीब में लिखा होगा तो देगा वरना नहीं देगा क्या सारे लोग इक्वल हो सकते हैं क्या सारे लोग बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं तो आपके कॉलेज में आपके मदरसे में आपकी मार्केट में आपकी सोसाइटी में आपकी तंजीम में एक आदमी तरक्की कर रहा है उसका साथ दीजिए उसे हसद क्यों कर रहे हैं यह अल्लाह के फैसले हैं जिसे चाहता है देता और मैं आपको एक बात बता दूं पूरी दुनिया अगर चाह ले पूरी दुनिया अगर चाह ले कि किसी की तरक्की को रोक दे नहीं रोक सकता है अगर अल्लाह देना चाहे तो इसलिए अल्लाह के फैसले पर राजी होना सीखें अल्लाह के फैसले को तस्लीम करना सीखें इसी में हमारे लिए दुनिया और आखरत की भलाई है इसी तरीके से हसद के अस्बाब में से एक अहम सबब है जाहो मनसब की लालच कोई ओहदा हम चाहते हैं कोई कुर्सी हम चाहते हैं कोई मनसब हम चाहते हैं और हमको वो चीज़ नहीं मिल पाई तो हम क्या करते हैं जो जिसको वो कुर्सी मिली है जिसको वो उहदा मिला है हम उससे हसत करने लगते हैं ये ये एक सबब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए आप अभी मदीना नहीं पहुंचे हैं उससे पहले अब्दुल्ला इब्ने उबै को अब्दुल्ला इब्ने उबै को मदीना के तमाम लोगों ने यह फैसला किया कि अब्दुल्ला इब्ने उबै को मदीना का सरदार बनाया जाए और उसका ताज तैयार हो गया यानी उसके सर पे शाहाना ताज डाला जाएगा और उसको मदीने का सरदार तस्लीम किया जाएगा बिल्कुल तैयारी हो चुकी है ताज बन चुका है लोगों के फैसले हो चुके हैं ताज पोशी का काम बाकी है लेकिन अल्लाह के फैसले को कौन टाल सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंच गए आप जब मक्का से मदीना पहुंचे तो उसका जो उसका जो इरादा था उसकी जो ताजपोशी होने वाली थी उसको जो सरदारी मिलने वाली थी उसको जो कयादत और सियादत मिलने वाली थी नबी के पहुंचने के बाद वो खटाई में पड़ गई वो महरूम हो गया नतीजा क्या हुआ नतीजा यह हुआ कि वो आपसे दुश्मनी करने लगा और यह दुश्मनी इस कदर बढ़ती गई कि वो निफाक में तब्दील हो गया मेरे भाइयों तो ये चंद असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर लोग एक दूसरे से हसत करते हैं हमको चाहिए कि अल्लाह ने हमको जो दिया है उसमें खुश रहें लइन शक्कर तुम अजीज को अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करोगे हम तुमको मजीद देंगे अल्लाह ने हमको दाल रोटी दी है अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कल तरकारी रोटी मिलेगी हम तरकारी रोटी पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कल अल्लाह गोश्त और मछली भी खिलाएगा जो आदमी छोटी चीजों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता है वो अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें पा करके भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेगा ये हमेशा याद रखे मेरे भाइयों अल्लाह ने जैसा रखा है जिस हाल में रखा है उस हाल में जीना सीखें उस हाल में जीना सीखें जिंदगी बदल जाएगी जिंदगी का मजा आएगा अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाएं, अल्लाह से मांगते रहें जब अल्लाह तला चाहेगा तो देगा कुछ नेमतें अल्लाह ने कल दी थी कुछ नेमतें अल्लाह कल देगा यही यही समझने की जरूरत है और जब हमारे जहन और दिमाग में यह बात बैठ जाएगी हमारी जिंदगी बड़ी पुरुष हो जाएगी जिंदगी का मजा आएगा जो चीजें हमको नहीं मिलनी है हम उसके लिए अपनी जान भी गंवा दें तो नहीं पा सकते और जो मिलने वाली हैं लोग चाहे जितना हसद कर ले वो मिल कर रहेगी इसलिए मेरे भाइयों हसद से अपने आप को बचा कर रखें तो ये हसद के चंद असबाब हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं इसके नुकसान क्या हैं इसके नुकसान क्या हैं हसद का पहला नुकसान यह है कि हासिद अल्लाह की निगाह में गिर जाता है पहला नुकसान और अल्लाह की निगाह में गिर जाना यह इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी है हम तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं रोजा इसलिए रखते हैं सदका खैरात इसलिए करते हैं हज और उमरा इसलिए करते हैं कुरान की तिलावत इसलिए करते हैं अल्लाह के सामने रोते और गिगड़ाते इसलिए हैं ताकि हम अल्लाह के महबूब हो जाए ताकि अल्लाह हमको पसंद करने लगे अगर अल्लाह हमसे नफरत करने लगे अगर अल्लाह हम अल्लाह की निगाह में हमारी कोई हैसियत ना हो मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी कट सकती है क्या हासित अल्लाह की निगाह में गिर जाता क्यों उसने अल्लाह के फैसले को नापसंद किया उसने अल्लाह की तकसीम को नापसंद किया और जो अल्लाह की निगाह में गिर जाए वो कैसा भी जिंदगी गुजारे उसके साथ कितनी भी मुसीबत आए अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वो मर जाए तरक्की करे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है हाशिद अल्लाह की निगाह में मलून होता है हाशिद अल्लाह की निगाह में नापसंद होता है इसलिए हाशिद जो भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है अल्लाह की निगाह में गिर जाना यह इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी है तो हसद का पहला नुकसान ये होता है कि हासिद अल्लाह की निगाह में गिर जाता है अल्लाह उससे नाराज़ होता है दूसरा हसद की वजह से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं ज़कात देते हैं सदक़ा खैरात करते हैं हज और उम्र करते हैं कुरान की तिलावत करते हैं दुआओं का अहमाम करते हैं लोगों के साथ ताउन करते कितनी नकियाँ करते हैं ये सारी नकिया इंसान की बर्बाद हो जाएंगी अल्लाह के नबी सस फरमाए ई या वल हसद ई या कुमल हसत लोगो अपने आप को हसद से बचाओ लोगो अपने आप को हसद से बचाओ हसदा या कुमल हसद फल कमा याकुल नारुल हतब इसलिए कि हसद ये नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है आग जल रही है आप लकड़ी डालते रहें आप लकड़ी डालते रहें आग उन लकड़ियों को खाती रहेगी हसद एक आग है हसद एक अंगारा है यह अंगारा जब जलता रहेगा आपकी नमाज को भी खा जाएगा आपके रोजे को भी खा जाएगा आपके हज को भी खा जाएगा आपकी नेकियों को खा जाएगा हसद एक ऐसा अंगारा है जो इंसान की नेकियों को तबाहो बर्बाद कर देता है प्यारे नबी ने फरमाया फरमायासद या कुल हसनात कमाता हतब लोगो अपने आप को हसद से बचाओ इसलिए कि हसद हसनात को नेकियों को ऐसे ही बर्बाद कर देता है जैसे कि आग नेकियों को बर्बाद कर देती है दिलों को पाक करो दिलों को साफ रखो अल्लाह तबार को तला की रहमतें मिलेंगी हासिद हमेशा परेशान रहता है इसको खुश देखा तो तकलीफ उसको खुश देखा तो तकलीफ इसकी तरक्की से तकलीफ उसकी तरक्की से तकलीफ हासिद को कभी सुकून नहीं मिलता है इसीलिए आप देखेंगे कि हासिद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं होती है क्यों इसलिए कि वो दूसरों की तरक्की को देखकर जलता रहता है जब देखता है कोई तरक्की कर रहा है तो कुढ़ने लगता है मेरे भाइयों हासिद हमेशा परेशान रहता परेशान होते और इंसान की अल्लाह ताला ने इंसान की साख तो ऐसी बनाई है कि कोई भी इंसान एक दिन दो दिन चार दिन जब टेंशन में रहता है परेशानी में रहता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है आज आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं भूलने की डिप्रेशन की फालिज की ये सब उन्हीं चीज़ों का असर है इंसान सोच सोच करके अपने आजा को मफलूज कर लेता है हमेशा रात दिन दूसरों की तरक्की पर टूटता रहता है ये दिमाग की नसें जो है ना ये दिमाग की नसें उस वक्त काम करती हैं जब इंसान खुश होता है जब इंसान फराहत का इजहार करता है जब इंसान नाखुश होता है टेंशन में रहता है तो दिमाग की नसों में गांठ पड़ जाता है इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है हासिद को कभी खुशी नहीं मिलती है महसूस तरक्की करता रहता है हासिद जलता रहता है इसलिए मेरे भाइयों अपने आप को हसद के दायरे से बाहर निकालें आज ही तोबा कर ले इसी मस्जिद में बैठ कर तोबा कर ले पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले अपने दिलों को साफ कर लें और हम अपने आप को इस कदर पाक कर लें कि अगर इस मस्जिद से निकलने के बाद हमारी मौत हो जाए तो हमारा दिल और दिमाग साफ रहे अल्लाह जन्नत दे दे मेरे भाइयों यही चीज है जो हमें आपको बता दी अपने आप को हसद से बाहर निकालें हासिद निफाक में मुबतला हो जाता है अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में मुनाफिक की निशानियां बयान की हैं मुनाफिक के कारनामों का जिक्र किया है क्या क्या वो ऐसे ही निफाक आ गया उनके अंदर नहीं पहले हसत पैदा हुआ बाद में निफाक आया मैंने वाकया वाकया मैंने जिक्र किया अब्दुल्ला इब्ने उबई की ताजपोशी होने वाली थी नबी मदीना आ गए अब उसकी ताजपोशी नहीं हुई उसकी सरदारी चली गई पहले उसने क्या किया हसत किया जब देखा कि हसद से काम नहीं बनता है तो उसने क्या किया इस्लाम की चादर ओढ़ी लोगों को धोखा देने की कोशिश की हसद की वजह से निफाक पैदा हुआ इनल मुनाफिकी अल्लाह ने फरमाया, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे यही हसद है जो इंसान को निफाक तक पहुंचाता है आपके सामने मिलता है वो लेकिन उसका दिल नहीं मिलता है आपके सामने मुस्कुराता है लेकिन उसका दिल नहीं मुस्कुराता है ये निफाक है ये निफाक है मुनाफिकीन खत्म नहीं हुए हैं कयामत तक रहेंगे मेरे भाइयों हसत के वजह से निफाक पैदा होता है हसद की वजह से बहुत सारी बुराइयां आती है और आपको मैं बताऊं कि जब इंसान हसद करने लगता है बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करता है आप किसी से हसद करेंगे क्या करेंगे उसको बदनाम करेंगे गीबत करेंगे चुगली करेंगे उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उसको उतारने की साजिश करेंगे उसके उहदे और मनसब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे उसकी तजारत को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढेंगे मेरे भाइयों हसद इंसान को बड़े बड़े गुनाहों तक पहुँचा देता है यहाँ तक कि कभी कभी इंसान जिससे हसद करता है उसको कत्ल कर देता है या करवा देता है ये जो सुपारी चल रही है हाँ फ आदमी तरक्की कर रहा है हम इसको नहीं मार सकते हैं पैसा दे करके आपने कत्ल करवा दिया अपने रास्ते से उसको हटा दिया हसद इंसान को कत्ल तक पहुंचा देता है मैंने अभी बताया अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में आदम अल इस्लाम के दो बेटों का तस्करा किया है काबिल का हाबिल का काबिल ने हाबिल को कत्ल क्यों किया हसद की बुनियाद पर यह हसद इंसान को कहां तक पहुंचा देता है तक पहुंचा देता है बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करता है हसत को मामूली न समझें दिलों को साफ रखें हसत से कैसे बचें हसत से बचने का तरीका क्या है सबसे पहले हम अल्लाह से तौफीक मांगें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई दुआएं सिखलाई जिसमें से मुआवजैन है कुल बिरब्बिल फलक और कुल उबेबिन नास ये दोनों सूरतें आप पढ़ें छोटी छोटी सूरतें हैं कुर मजीद की आखिरी सूरतें इन दोनों सूरतों को ज़रूर पढ़ें आप इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद इन सूरतों का अहतमाम करते थे इन सूरतों में बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब की गई है जिसमें से एक क्या है वो मिन शर्रे हाश इज़ा हसद अय अल्लाह मुझे हाशीन के हसद से बचा ले मुझे हासिदीन के शर से बचा ले हर आदमी से हसद करने वाले हैं, मुझसे भी हसद करने वाले हैं आपसे भी हसद करने वाले हैं मेरे भाइयों इन दुआओं का अहमाम कीजिए खुलाऊज रब्बिल फलक खुलाऊज रबना नाश अल्लाह की पनाह तलब कीजिए इसी तरीके से अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए लोग आपसे हसद करते रहेंगे आप अल्लाह से तवक्कुल कीजिए अल्लाह तबार व तआला ने फरमाया व वै फहुवा हसब जो अल्लाह से तबक्ल करता है अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है हज़रत तो इब्राहीम को हसद की बुनियाद पर लोगों ने आग में डाला लेकिन अल्लाह अल्लाह पर भरोसा किया इब्राहिम ने अल्लाह तआला ने इब्राहिम की हिफाजत फरमाई लोग आपसे हसद करते रहेंगे आप अल्लाह पर भरोसा करते रहें तीसरी बात अपने अंदर तकवा पैदा करें एक आदमी हमसे हसत कर रहा हम भी वैसे ही कर रहे हैं तो हमारे और उसमें क्या फर्क रह गया कोई फर्क है एक आदमी हमसे हसत कर रहा है हम भी उससे करने लगे तो हमारे उसमें कोई फर्क नहीं रह गया वो हसरत कर रहा है उसका काम हम तकबा अख्तियार करें वो मैं तक मखरजा जो शख अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है लोग हसत करते रहेंगे आप तरक्की करते रहेंगे आप अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए अल्लाह पर भरोसा कीजिए तकबा अख्तियार कीजिए और अल्लाह तबारा को तला से पला तलब करते रहिए इसी तरीके से सब रख कभी कभी साजिशें बड़ी खतरनाक होती हैं कभी कभी साजिशें बड़ी खतरनाक होती हैं ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाता है सारे लोग दुश्मन हो जाएं आप क्या करेंगे मेरे भाइयों पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए लेकिन उससे अपना रिश्ता मजबूत रखें यादीना ऐ ईमान वालों अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र के जरिए से सलात के जरिए से मेरे भाइयों सब्र करें अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत कराएं अल्लाह जिसके साथ हो जाए अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है सब्र का दामन कभी ना छोड़ें इसी तरीके से हासिदीन के हसद से बचने के लिए एक और तदबीर अख्तियार करें अपनी नेमतों को छुपा कर रखें जहां तक हो सके अपनी नेमतों को छुपा कर रखें हमारी हालत तो यह है कि है भी नहीं फिर भी दिखाते हैं अल्लाह ने जो हमें दिया है उसको छुपा कर रखें लोगों के सामने ऐसे ही रहें आम आदमी की तरह नेमतों का इजहार न करें यह बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े बंगले लोग देखेंगे तो हसत पैदा होगा आज हालत यह है घर में खाने के लिए नहीं है लेकिन लोग कर्जा और उधार लेकर के लाखों रुपए खर्च करके शादी ब्याह में अपनी हैसियत दिखाते हैं कि अभी मेरे अंदर दम है कुछ नहीं है कितने लोगों को मैं जानता हूं उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है लेकिन लोगों के सामने अपना स्टेटस हाई करने के लिए अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लोगों पर रौब छाड़ने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं मेरे भाइयों हासिदीन की हसद से बचना चाहते हैं तो नेमतों को छुपा कर रखें ये नेमतें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इसको छुपा कर रखें जहां जरूरत हो वहीं दिखाएं इसी तरीके से हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहें अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत रखें ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हरबल आलमिन हम तमाम लोगों को हासिदीन के हसद से महफूज़ रखे, अल्लाह ताला हमें भी हमें भी अल्लाह ताला हसद से महफूज़ रखे ना हमको हाशिद बनाए ना हमको महसूद बनाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रब्बना तो मन्ना इन न का अंत समय उलिम व तुब अलइना इन न का अंत तवाबरहीम बे रहमति का या अरहमर आमीन अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي

محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه